हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्साडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल। लेक्चर चल रहा है हमारा कैलकुलस का, एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, ये है सेकंड लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोग जेकोबियन स्टार्ट किए थे और मैंने आपको बोला था कि जेकोबियन का एक कॉन्सेप्ट हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक लेके चलेंगे। तो जेकोबियन स्टार्ट किया था, उसका फंडामेंटल्स काफी अच्छे से समझाया आपको, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवाए आपको। मैंने आपको टास्क दिया था कि उस फंडामेंटल से रिलेटेड जितने मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बना लेना, आई होप तुम बना लिए होगे। अब देख रहे हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ जेकोबियंस, जेकोबियंस की प्रॉपर्टीज। अब ये इस लेक्चर के सीखने के बाद आप जेकोबियंस का एडवांस लेवल का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। पिछला लेक्चर देख करके आप सिंपल बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो फंडामेंटल्स, अब इस लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप एडवांस लेवल का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। तो हेडिंग लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ जेकोबियंस, और उसमें पहला प्रॉपर्टी है कि जैसे मान लो जेकोबियन जे इक्वल्स टू डो यू वी अपॉन डो एक्स वाई, एंड जे डैश अगर माना है हमने डो एक्स वाई अपॉन डो यू वी, मतलब इसका रेसिप्रोकल, तब इस केस में आप जे जे डैश को आप 1 लिख सकते हो। इसको करेंगे हम लोग प्रूफ। तो कभी कभी प्रूफ आ जाता है तो हम लोग प्रूफ भी सीख ही लेते हैं। देखो मान लेते हैं हम, लेट यू इज सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। क्या माना कि यू जो है ना ये एक्स और वाई का कोई फंक्शन है, उसी तरह से वी जो है ये भी कोई एक्स और वाई का कुछ दूसरा फंक्शन है। इसीलिए हम लिखे एफ ऑफ एक्स वाई मतलब एक तरह का फंक्शन, जी ऑफ एक्स वाई मतलब किसी और तरह का फंक्शन। अगर ऐसी बात है तो सुनो, यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डो यू अपॉन डो यू। सुनो, डो यू अपॉन डो यू मतलब जब भी ऐसा करते हैं ना, और u अगर एक से अधिक वेरिएबल्स का रहता है तो पार्शियल डेरिवेटिव से क्या सीखे हैं हम लोग बचपन में कि सबसे पहले तो आप ये लिखिए u का आप करिए x के रेस्पेक्ट में, उसको मल्टीप्लाई करिए आप x का फिर से u के रेस्पेक्ट में, क्योंकि x का काम खत्म हो गया। अब इसको लिखना है हमको ऐड करके, फिर से u करना है आपको y के रेस्पेक्ट में, और y का आपको डेरिवेटिव लेना है u के रेस्पेक्ट में। ये रूल है पार्शियल डेरिवेटिव का, पार्शियल डेरिवेटिव का, पार्शियल डेरिवेटिव का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके 11, 12 का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अगर नहीं तो नहीं भी पता तो भी आप इस तरह से याद रखो, जैसे एक वेरिएबल है इसको देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये किसका फंक्शन है पहले देखो, एक्स और वाई का फंक्शन है ना, तो हमेशा याद रखना कि जब भी डेरिवेटिव लोगे तो एक्स एक्स का भी हक है उस पे, वाई का भी हक है उस पे। तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर लिए, फिर इसी चीज को आप वाई के रेस्पेक्ट में कर लिए। और ये क्या चीज है ध्यान रखना कि नीचे में डो यू है, मतलब यू के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो हमेशा डो यू आएगा, हमेशा डो यू आएगा, ठीक है। अब ये हो गया यू के रेस्पेक्ट में, अब इसको हम लोग करते हैं यू का वी के रेस्पेक्ट में। देखो आप क्या कर रहे हैं, इसी फंक्शन का v के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं, तब इससे बताओ क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या रहेगा, यहां पे तो रहेगा u, x रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये क्या है x और y का फंक्शन है, ये तो पहला चीज है। मल्टीप्लाई करना है हमको किसके साथ में, डो x लिखिए, और यहां पे आप किसके साथ रेस्पेक्ट कर रहे हैं डेरिवेटिव, v के रेस्पेक्ट में, तब आप लिखेंगे यहां पे v प्लस, अब x का हक खत्म हो चुका है, y का आप बताइए ऊपर में क्या लिखा है u, तो इधर लिखेंगे u और इधर क्या लिखेंगे y, फिर लिखिए जो यहां पे लिखा रहता है वही यहां पे आता है, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, v के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा v। समझ में आया, याद रखना ये सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पहले नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, फ्रेश बता रहे हैं। इस तरह से याद रखो, u अगर कोई फंक्शन है x और y का तो डो यू अपॉन डो यू को आप इस तरह से लिख सकते हो, u अगर कोई फंक्शन है, v अगर कोई फंक्शन है x और y का तो आप डो यू अपॉन डो वी इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया काम u के रेस्पेक्ट में, अब इधर देखो v के रेस्पेक्ट में हमको डो वी अपॉन डो वी सपोज फाइंड करना है, मुझे क्या फाइंड करना है, डो वी अपॉन डो वी। जैसे यहां पे क्या फाइंड किया था, u का u के रेस्पेक्ट में फाइंड किया था, u का v के रेस्पेक्ट में फाइंड किया था, अब v का v के रेस्पेक्ट में फाइंड करूंगा, फिर v का u के रेस्पेक्ट में फाइंड करूंगा। तो यहां पे देखो किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हो, v के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डो v, और यहाँ पे किसका हक है, x का हक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x, क्योंकि यहाँ पे x लिखे हो तो इसलिए ऊपर में आ जाएगा x, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, v के रेस्पेक्ट में, तो नीचे आ जाएगा v। समझ में आया, प्लस करिए क्योंकि x वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब इसी चीज को y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो डो v अपॉन डो y लिखेंगे, मल्टीप्लाई करिए जो यहाँ पे लिखा रहता है वो ऊपर में जाता है,
और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, वी के रेस्पेक्ट में, तो यहां पे ये आ जाएगा, समझ में आया। अब डो वी को करना है डो यू के रेस्पेक्ट में, गौर से देखिए, अलग है ये, सेपरेट है, मिक्स नहीं करिएगा। अब देखो ये क्या है, ऊपर रहेगा ना, तो डो वी लिखे किसके रेस्पेक्ट में करना है पहले, एक्स डॉट करिए, जो यहां रहता है वो इधर चला आता है, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो फाइनली, यू के रेस्पेक्ट में, तो यहां पे आ जाएगा यू। प्लस करना है हमको, एक्स का पार्ट हो चुका है, अब हमको करना है वाई के रेस्पेक्ट में, जो यहां पे लिखा रहता है वो यहां पे आता है, अब इसके अलावा किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, यू के रेस्पेक्ट में, तो यहां पे आ जाएगा यू। क्लियर है, इतना हम एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। अब जाहिर सी बात है तुम ये बताओगे, तुम एक चीज और भी बता सकते हो कि सर यहां पे ये हो गया जनरल डेफिनेशन, ये क्या है, ये है जनरल डेफिनेशन है, डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखो तुम तो ये बोलोगे ना, डो यू अपॉन डो यू, सर ये तो और कुछ नहीं वन ही होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, वन होता है, तो ये तो बोलोगे वन। सर डो यू अपॉन डो वी अगर हम कर रहे हैं तो सर ये तो जीरो ही होगा, क्योंकि अगर हम u जो है ना यहां पे, तो किसका फंक्शन है, v के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, पार्शियल डेरिवेटिव में यहां पे ये कांस्टेंट ट्रीट होगा, है कि नहीं, यहां पे ये कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये लिख दिया हम जीरो। अब डो वी अपॉन डो यू, डो वी जो है ये क्या बोलोगे, इसको भी तो वन बोलोगे, और डो वी अपॉन डो यू जो है इसको क्या बोलोगे, जीरो बोलोगे, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, समझ में आइए। तो क्या हम लिख सकते हैं इस पूरे टर्म को वन लिख सकते हैं, देखो डो यू अपॉन डो यू, तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं। अब डो यू अपॉन डो वी इस पूरे एक्सप्रेशन के बदले क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। डो वी अपॉन डो वी इस पूरे एक्सप्रेशन के बदले क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं। और डो वी अपॉन डो यू इस पूरे एक्सप्रेशन के बदले क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं, समझ में आया ये। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, ये वाला चीज, जे क्या बोल रहा है हमको, जे बोल रहा है ये फाइंड करो, क्या फाइंड करो, डो ऑफ यू वी अपॉन डो ऑफ एक्स वन, जैकोबियन तो आता है निकालने के लिए, यहां पे मैट्रिक्स नहीं बोलेगा तो क्या बताए थे, बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर लेना है, जैकोबियन मतलब डिटरमिनेंट, अगर बोल देगा मैट्रिक्स फाइंड करो तो मैट्रिक्स निकालेंगे, नहीं बोलेगा तो बाय डिफॉल्ट डिटरमिनेंट, तो यहां पे हम डिटरमिनेंट ले लिए। ऊपर में जो रहता है फंक्शन रो में चेंज करता है क्या, नहीं, तो यहां हम लिखेंगे डो यू अपॉन डो एक्स, यहां लिखेंगे डो यू अपॉन डो वाई, समझ में आया। फिर नीचे में क्या लिखा रहता है, यहां लिखा रहता है डो वी अपॉन डो एक्स, और यहां लिखा रहेगा डो वी अपॉन डो वाई, क्लियर। तो ये हो गया जे, ओके। अब देखिए जे डैश को अगर हम पूछे बताइए, तो जे डैश क्या, इसका रेसिप्रोकल होगा ना, मतलब डो एक्स वाई बाय डो ऑफ यू वी, ओके। तो इसको आप लिखिए डिटरमिनेंट किसका लेंगे, पहले ऊपर में एक्स आएगा, एक बार यू के साथ एक बार वी के साथ, तो यहां लिखेंगे एक्स यू के साथ फिर वी के साथ, फिर दूसरे रो में क्या आएगा, वाई एक बार यू के साथ एक बार वी के साथ, समझ में आया। ये जे के बदले में हम ये लिखे, जे डैश के बदले में ये लिखे, प्रूव करना है हमको कि जे और जे डैश को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वन आएगा। करते हैं मल्टीप्लाई, यहां बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ये सारे चीज तुम लिख चुके हो, कोई बात नहीं, ये सब हम लिखा चुके हैं, लिखते हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, जे और जे डैश को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जे और जे डैश इज इक्वल टू, पहले ये वाला डिटरमिनेंट लिखेंगे, डो यू अपॉन डो एक्स, फिर डो यू अपॉन डो वाई, डो वी अपॉन डो एक्स, डो वी अपॉन डो वाई, ये हो गया पहला टर्म। इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसके साथ, डो एक्स अपॉन डो यू, डो एक्स अपॉन डो वी, फिर डो यू डो वाई अपॉन डो यू, और फिर डो वाई अपॉन डो वी। अब डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन आता है ना, आता है डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन, नहीं आता तो देखो लिखो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लीकेशन, डिटर्मिनेंट मल्टीप्लीकेशन। बहुत लोग इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के समझ करके इसको ऐसे कर देते हैं, हम भी कुछ सालों तक ऐसा ही करते थे, तो हमको पता है कि आप भी करते होंगे। जैसे मान लीजिए एक डिटरमिनेंट है ए बी सी डी, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, ई एफ जी एच के साथ में, ठीक है। तो यहां से आप जो लिखेंगे ना डिटरमिनेंट, वो क्या होगा,
लिखे यहाँ पे, ए ई प्लस एफ प्लस बी एफ, ये हो गया ये पार्ट, फिर ए जी प्लस बी एच, ये क्या लिखेंगे, ए जी प्लस बी एच, ये हो गया पहला रो। दूसरा सी ई, सी ई प्लस डी एफ और सी जी प्लस डी एच, सी जी प्लस डी एच, ये होता है डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन। मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या होता है, ए ई प्लस बी जी, ए एफ प्लस बी एच, सी ई प्लस डी जी, सी एफ प्लस डी एच, ऐसा होता। लेकिन ये डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन ध्यान रहे। अब थोड़ा सा गेम खेलते हैं, जैसे सपोज मान लो कि एक डिटर्मिनेंट, सपोज मान लो डेल्टा वन मेरे पास है 1 2 3 4, ठीक है, और एक दूसरा डिटर्मिनेंट है मेरे पास 3 4 2 7, ये दिया है, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू हम निकालते हैं, डेल्टा वन क्या हो जाएगा बताओ तो, चर का 4 - 3 2 6 कितना हो गया, -2 हुआ, इसको मल्टीप्लाई करियो। डेल्टा टू क्या हो जाएगा, 7 3 21 - 4 2 8 कितना हो गया, 7 3 21 - 8 ये हो जाएगा 13। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमको, डेल्टा वन डेल्टा टू करो तो -2 × 13 कितना हो गया, -26 हो गया। नोट करिएगा, इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, -26 आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पे हमको पता है 4 - 6 करेंगे तो -2, यहां पे करेंगे 7 3 21 - 4 2 8 तो ये बन जाएगा 13, ठीक है, -26 आ गया। अब देखो -26 आया था, अब इस केस में अब क्या कर रहे हैं हम, इसका हमको रो और इसको हम डेल्टा वन को जैसे का वैसे ही रख रहे हैं, इसको हम वैसे का वैसे ही रख रहे हैं 1 2 3 4, और जो डेल्टा टू है इसको हम रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दे रहे हैं। 3 4 हम इस तरह से लिख रहे हैं और 2 7 हम इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे डेल्टा वन क्या है, 4 - 6 - 2, यहाँ पे डेल्टा टू क्या है, 7 3 21 - 4 2 8 मतलब 13, यहां से डेल्टा वन डेल्टा टू निकालो तो -26। तो क्या ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू बदली, नहीं, हम बदलाव किए थे, क्या कि एक डिटर्मिनेंट में रोज और कॉलम्स को हम पलट दिए थे। तो इससे तुमको ये पता चल गया कि जब भी डिटर्मिनेंट का जो एलिमेंट्स है ना उसका रो या कॉलम इंटरचेंज करोगे तो डिटर्मिनेंट नहीं बदलता है, डिटर्मिनेंट नहीं बदलता है। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये तो समझ में आया कि अगर हम रो या कॉलम को बदल देंगे या कॉलम को रो में बदल देंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू मेरा बदलेगा नहीं, अच्छी बात है, ओके। अब देखो, अब मल्टीप्लाई करने का स्टाइल मेरा बदलेगा, क्या देखो, डेल्टा वन डेल्टा टू को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई इस तरह से कर रहे हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने तो क्या सिखाए थे अभी, 1 × 3 1 × 3 + 2 × 4 2 × 2 2 × 2, ठीक है, सॉरी 2 × 2 नहीं, 1 × 3 + 2 1 × 3 + 2 × 4 + 2 × 4, इसको इसके साथ किए फिर इसको इसके साथ करेंगे, फिर 1 × 2 + 2 × 7 1 × 2 + 2 × 7, ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा क्या करेंगे, इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, तो 3 × 3 यहां पे आप लिखोगे 3 × 3 प्लस करोगे 4 × 4 4 × 4, 3 × 3 + 4 × 4, और दूसरा 3 × 2 + 4 × 7 3 × 2 + 4 × 7, 3 × 3 + 4 × 8 3 × 8 कितना हो गया, 11 हो गया, फिर इसको करो 2 + 14 कितना हो गया, 16 हो गया, 3 × 3 = 9 और 4 × 4 = 16 3 × 3 = 9 + 4 × 4 = 16 16 × 9 = 25 हो गया, और इधर देखो 3 × 2 = 6 + 7 × 28 कितना हो गया, 34 हो गया। अब इसको करें मल्टीप्लाई, 34 × 11 करना है हमको, तो हमको पता है 34 34 होगा, मतलब ये 4 4 × 3 = 7 और ये 374 हो गया। माइनस करना है हमको 25 × 16 25 × 16 करिए, 6 × 5 = 33 का 0, हाथ में रहा 3, 6 × 2 = 12 12 × 3 = 15 और इधर हो जाएगा 25, ये 0, 5 × 5 = 10 और ये हो जाएगा 400 में ये घटा दीजिए तो कितना हो गया, क्या हम इसको -26 लिखेंगे,
बिल्कुल लिखेंगे। अब चाहे इस तरह से मल्टीप्लाई करिए, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करिए, कोई फर्क पड़ा? पर्पस क्या था मेरा बताने का, ताकि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। कैसे? क्योंकि अभी जो हम एप्लीकेशन करेंगे ना, वही वही चीज करेंगे। फिर मत बोलना कि कैसा, ऐसे क्यों कर दिए, वैसे क्यों कर दिए। हम ये जब दिखा दिए कि तुम चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करो, या इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करो, या उसका रो या कॉलम को इंटरचेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और डिटर्मिनेंट का जो मल्टीप्लीकेशन होता है ना, वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन से जैसा नहीं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन अलग होता है। क्योंकि एक रो एक कॉलम हम लोग उठाते हैं उसमें, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रो को एक रो के साथ, एक रो के दूसरे रो के साथ, फिर एक रो के साथ, एक रो को दूसरे रो के साथ, उस तरह से लिखते हैं। तो प्लीज कंफ्यूज मत करना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन में दो अलग अलग चीजें हैं। ओके, ये जब क्लियर हो चुका है, अब ध्यान देना, हमको करना है इस दोनों को मल्टीप्लाई। क्या करना है? इस दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है? कन्वेंशन, अभी हम कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं। देखो आप क्या करेंगे, तुम बोलोगे सर आप ही तो सिखाए ये, तो हम क्या करेंगे, इस रो को इसके साथ को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छी बात है, तो हम इसको कर देते हैं। डो यू डो एक्स लिखे, डॉट डो एक्स डो यू लिख दिया ये, फिर डो यू डो वाई इंटू डो यू डो वाई लिखे इंटू डो एक्स डो वी लिख दिए। गुड, अब इसको इसके साथ कर रहे हैं, तो डो यू डो एक्स डॉट डो वाई डो यू लिखे, प्लस डो यू डो वाई को मल्टीप्लाई किए हैं डो वाई डो वी के साथ, डो वाई डो वी के साथ। ये हो गया पहला पार्ट। इसको इसके साथ किए इधर लिखे, इसको इसके साथ किए इधर लिखे। अब इसको इसके साथ करेंगे यहां लिखेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहां लिखेंगे। तो करते हैं डो वी डो एक्स डॉट डो एक्स डो यू, इसको इसके साथ किए, प्लस डो वी डो वाई को मल्टीप्लाई करिए डो एक्स डो वी के साथ। गुड, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सो डो वी डो एक्स को मल्टीप्लाई करिए डो वाई डो यू के साथ, फिर डो वाई डो वी डो वाई को मल्टीप्लाई करिए डो वाई डो वी के साथ। ठीक है, अब बोलोगे सर ये सब का वैल्यूज तो हमको तो नहीं पता, अभी जो हम कैलकुलेट करके दिए थे वो किसी और चीज का वैल्यूज था जो 1001 है। देखो एक्सपेंशन करने से इसका कुछ मतलब आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो हम कैसे करेंगे? हम एक लगाएंगे दिमाग। दिमाग क्या लगाएंगे? इसके रो और इसके कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर देंगे, फिर जो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे ना, तब यहां से पटाक पटाक 1001 आ जाएगा और मेरा हो जाएगा काम। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम नहीं यूज करेंगे। इसके बदले हम क्या करेंगे, आप यहां पे लिखोगे इंटरचेंजिंग द रोज, आप लिख लो इंटरचेंजिंग इंटर, पहले इसको आप लिखो, इस पे हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं, डो यू डो एक्स लिख रहे हैं, डो यू डो वाई लिख रहे हैं, डो वी डो एक्स लिख रहे हैं, और फिर डो वी डो वाई लिख रहे हैं। ठीक, मल्टीप्लाई, अब ये रो बन जाएगा ये कॉलम, डो एक्स डो यू डो एक्स डो वी, और ये वाला रो बन जाएगा ये कॉलम, डो वाई डो यू और डो वाई डो वी। क्लियर? ये करने के बाद अब इसको आप करिए एक्सपैंड, इस जो लिखे हो ना इसको यहां पे लिख लो, इंटरचेंजिंग इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स ऑफ सेकेंड डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड डिटर्मिनेंट। तो सेकेंड डिटर्मिनेंट को आपने रो इंटरचेंज कर दिया। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना बुआ, तो ये इंटू ये इधर आ जाएगा। तो करो डो यू डो एक्स को मल्टीप्लाई करो डो एक्स डो यू के साथ में, प्लस कर दीजिए फिर डो यू डो वाई को मल्टीप्लाई करिए डो वाई डो यू के साथ में। ठीक है, ये हो गया ये। अब इसको करेंगे इसके साथ में, तो डो यू डो एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे डो एक्स डो वी के साथ में, और डो यू डो वाई को मल्टीप्लाई करेंगे डो वाई डो वी के साथ में। अब इसको इसके साथ, सो डो वी डो एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे डो एक्स डो यू के साथ में, प्लस डो वी डो वाई को मल्टीप्लाई करेंगे डो वाई डो यू के साथ में। अब इधर इसको आप देखो, डो वी डो एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे डो एक्स डो वी के साथ में,
और डो वी डो वाई को मल्टीप्लाई करेंगे डो वाई डो वी के साथ में, क्लियर है? क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते सर, ये तो और कुछ नहीं डो यू है, डो यू अपॉन डो यू ही है, और ये कुछ नहीं डो यू अपॉन डो वी है, ये डो यू अपॉन डो वी है। देखो कॉपी में देखो, अभी लिखा है जस्ट, ये क्या है डो वी अपॉन डो यू है, ये डो वी अपॉन डो यू है, और ये डो वी अपॉन डो वी है, डो वी अपॉन डो वी है। तो क्या हम इसके बदले ऐसा नहीं लिख सकते हैं सर, ये होगा वन, ये होगा जीरो, ये होगा जीरो, ये होगा वन, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा वन। हेंस प्रूव्ड क्वाड एराटम डेमोन्स्ट्रेटम क्वाइट इजली डन। क्लियर हुआ बोवा? प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टी है, तो अगर आ गया प्रूफ करने तो प्रूफ कर दोगे ना ये। और ये याद रखना कि जब भी आप रेसिप्रोकल करते हो ना तो वह बन जाता है वन। क्लियर हो गया है पहला चीज। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास चेन रूल। चेन रूल मतलब जैसे लिखा हुआ डो यू वी अपॉन डो एक्स वाई, तो आप इसको बहुत मल्टीपल फंक्शंस के प्रोडक्ट में आप इसको लिख करके तोड़ करके लिख सकते हो। तो बस ये ध्यान रखना है कि इधर का जो लेफ्ट हैंड पार्ट है ना, ये इस तरह से रहता है, और कोना वाला जो पार्ट रहता है ना, वो ये रहता है। अब बीच में तुम कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे तुम कुछ भी कर सकते हो। देखो इसको हम बहुत तरह से चेन में बना सकते हैं, कैसे? जैसे है डो यू वी लिखा हुआ है, और यहाँ पे सपोज आर एस लिखा हुआ है, मेरा मर्जी हम यहाँ पे आर एस लिखें और यहाँ पे सपोज पी क्यू लिखें, फिर इस पी क्यू को यहाँ पे उठा दें और यहाँ पे टी यू लिख दें, फिर इस टी यू को हम यहाँ पे उठा दें और लास्ट में हम डो एक्स वाई लिख दें। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, और अल्टीमेटली हमको मिलेगा डो यू वी अपॉन डो एक्स वाई ही मिलेगा। तो इसको बोलते हैं चेन रूल, जितनी मर्जी तुम उतना चेन बना सकते हो, ठीक है? अब इसको करेंगे हम लोग प्रूफ। ये प्रॉपर्टीज है तो हर प्रॉपर्टी को भी प्रूफ करते हुए चलता रहना चाहिए। तो इसको देखना है प्रूफ, लिखिए प्रूफ। प्रूफ करने के लिए यहां से हम आर एच एस को उठाएंगे, यहां से हमको ये पता है कि एल एच एस ये है, आर एच एस ये है, आर एच एस जो है इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और एल एच एस में कन्वर्ट लिखाएंगे। आर एच एस क्या है मेरे पास, आर एच एस है मेरे पास डो यू वी अपॉन डो ऑफ आर एस मल्टीप्लाइड विथ डो ऑफ आर एस बाय डो ऑफ एक्स वाई। अब जेकोबियन की प्रॉपर्टी से तो हम ये जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ डो यू अपॉन डो आर डो यू अपॉन डो एस डो वी अपॉन डो आर डो वी अपॉन डो एस, लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। मल्टीप्लाई करना है हमको किसके साथ में, इसके साथ में, तो हम यहां लिखेंगे डो आर अपॉन डो एक्स डो आर अपॉन डो वाई डो आर अपॉन, फिर इधर एस हो जाएगा, डो एस अपॉन डो एक्स और डो एस अपॉन डो वाई। जैकोबियन तो सीख चुके हैं। अब देखो क्या इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से हमको काम मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, वरना इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। देखते हैं, पहले करके देखते हैं, काम होगा तो अच्छी बात है। कैसे मल्टीप्लाई करके एक टर्म हम देख लेते हैं, डो यू अपॉन डो आर को हमको मल्टीप्लाई करना है डो आर अपॉन डो एक्स के साथ में, प्लस कर दीजिए डो यू अपॉन डो एस, इसको मल्टीप्लाई करना है हमको डो आर अपॉन डो वाई के साथ में। अब गौर से देखो, ये तो कट जा रहा है मेरा, तो हमको तो पता चल रहा है कि यहां से हमको डो यू अपॉन डो एक्स डो यू अपॉन डो वाई, मतलब इससे हमको तो काम चलेगा नहीं यहां से, ठीक है ना? तो इससे हम क्या करेंगे, अब इससे हम इंटरचेंज कर देंगे। यहां पे आप फिर से लिख सकते हो इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। जब आप इंटरचेंज करोगे सेकेंड वाले डिटर्मिनेंट का, तब ये हो जाएगा डो यू अपॉन डो आर रहने दो, डो यू अपॉन डो एस रहने दो इसको, डो वी अपॉन डो आर इसको रहने दो, और डो वी अपॉन डो एस इसको रहने दो, और इसको हम रो और कॉलम को बदल देते हैं। यहाँ पे डो आर अपॉन डो एक्स इधर लिखेंगे, डो आर अपॉन डो वाई इधर लिखते हैं, फिर डो एस अपॉन डो एक्स इधर लिखेंगे और डो एस अपॉन डो वाई इधर लिखते हैं, ठीक है? अब करो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा मेरा डो यू अपॉन डो आर, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है डो आर अपॉन डो एक्स, एक्स का काम खत्म, ठीक है? प्लस कर दीजिए आप डो यू अपॉन डो एस मल्टीप्लाइड विथ डो एस अपॉन डो एक्स, ये हो गया। दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा डो यू अपॉन डो आर को मल्टीप्लाई करना है डो आर अपॉन डो वाई के साथ में, अब डो यू अपॉन डो यू अपॉन डो एस को मल्टीप्लाई करना है डो एस अपॉन डो वाई के साथ में, इसको इसके साथ किए, इसको इसके साथ किए, इधर लिख दिए। अब इधर देखो डो यू अपॉन डो आर को मल्टीप्लाई करना है हमको डो आर अपॉन डो एक्स के साथ में,
प्लस डो वी अपॉन डो एस को मल्टीप्लाई करना है डो एस अपॉन डो एक्स के साथ में। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, डो वी अपॉन डो आर को मल्टीप्लाई करना है डो आर अपॉन डो वाई के साथ में, और डो वी अपॉन डो एस को मल्टीप्लाई करना है डो एस अपॉन डो वाई के साथ में। अब तुम ये बताओ ये क्या लिख सकते हो, ये क्या चीज है? यू देखो, यू डो यू डो एक्स और डो यू डो एक्स, मतलब यहां पे आप आर किसके टर्म्स में कर रहे थे? चेन रूल जब लगाए थे तो देखो डो यू डो आर इंटू डो आर डो एक्स था, और फिर डो यू डो एस इंटू डो एस डो एक्स है, मतलब आप पहले आर के टर्म्स में आपने किया, आर का हक था, उसके बाद फिर एस का हक था, ठीक है ना? तो R का हक था और फिर S का हक था, तो इससे आपको क्या पता चला कि U जो फंक्शन है किसका फंक्शन है, R और S का फंक्शन है ना? तो U किसका फंक्शन है, यहां से हमको पता चला U जो फंक्शन है यहां पे कंसिडर किया गया है, यो R और S का फंक्शन कंसिडर किया गया है इस वाले पोर्शन से, राइट? अब इसमें देखो U और R, मतलब यहां पे भी R है यहां पे भी S है, एक बार R के टर्म्स में किया आपने, एक बार S के टर्म्स में किया, तो हमको तो ये पता चला। लेकिन यहां पे आपने x के टर्म्स में किया है, तो क्या हम इसको डो यू अपॉन डो एक्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी तरह से यहां पे देखो u जो फंक्शन है वो r और s का तो फंक्शन है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपको डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में किया है, एक्चुअली y के रेस्पेक्ट में, तो क्या हम इसको डो यू अपॉन डो y लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इधर देखो u जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, r का फंक्शन है, s का फंक्शन है ना? U किसका फंक्शन है, R का फंक्शन है और S का फंक्शन है, सॉरी यहां पे V है, यहां पे आप क्या बोलोगे, V जो फंक्शन है वो R और S का फंक्शन है, तो हम तो लिख सकते हैं V जो है वो कुछ और R और S का कोई फंक्शन है, अच्छी बात है। लेकिन यहां पे आपने जो डेरिवेटिव किया है वो X के रेस्पेक्ट में किया है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं डो वी अपॉन डो एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहां देखो वी जो फंक्शन है किसका फंक्शन है, आर और एस का फंक्शन है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, वाई के रेस्पेक्ट में, तो क्या हम इसको डो वी अपॉन डो वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये है तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, सर ये तो और कुछ भी नहीं, ये तो वही बात हो गई, ऊपर में फंक्शन चेंज नहीं हो रहा और इधर भी फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, लेकिन नीचे में एक बार एक्स वाई आ रहा है और इधर भी एक्स वाई आ रहा है, तो हम इस तरह से लिखेंगे, ये क्या है मेरा LHS, और ये हो गया मेरा क्वाइट इजली डन क्वाड्रेटम डेमोन्स्ट्रेटम हेंस प्रूफ। क्लियर हुआ? दूसरा फंक्शन भी याद हो गया, चेन रूल, पहला फंक्शन रेसिप्रोकल जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वन होगा, और दूसरा चेन रूल को आप कितने भी चेन्स के टर्म्स में आप इसको लिख सकते हो, पहला भी प्रूफ करा दिए दूसरा भी प्रूफ करा दिए। क्लियर? अब चलिए इधर ध्यान दीजिए, जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इम्प्लिसिट फंक्शंस के देखने के लिए मिलेगा। क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जिसमें आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एक्सप्लिसिट करने का मतलब जैसे एक वेरिएबल इस साइड है तो उसको आप किसी और के टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है? तो और ये इसका मतलब है, इम्प्लिसिट का मतलब आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। जब प्रॉब्लम्स करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा, अभी ध्यान दो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो u1 u2 u3 इंस्टेड ऑफ बीइंग एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ x1 x2 x3 कैन बी कनेक्टेड इट इक्वेशंस एज, जैसे इस तरह का कुछ इक्वेशन, इस तरह का कुछ इक्वेशन, इस तरह का कुछ इक्वेशन इक्वल टू जीरो, तब उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला लगा करके आप क्या कर सकते हो, उसका जैकोबियन कैलकुलेट कर सकते हो। जैकोबियन कैसे निकालते हैं, U1, U2, U3 डेल ऊपर आता है और नीचे जिसके रेस्पेक्ट में आपको निकालना है। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि सर यहाँ पे माइनस वन टू द पावर थ्री ही क्यों लिखे, क्योंकि मुन्ने यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं। अगर यहाँ पे दो होते तब स्क्वायर हो जाता, चार होते तब चार हो जाता, सॉरी एक होता तो एक हो जाता, ठीक है ना? तो जितने वेरिएबल्स रहेंगे पावर में उतने रहेंगे। अब देखो यहाँ पे x1, x2, x3 है, ठीक है? नीचे में क्या है आपका x1, x2, x3 है और ऊपर में क्या है आपका u1, u2, u3। तो आपको u1, u2, u3, x1, x2, x3 सबको कंबाइंड करके एक अलग फंक्शन बनाना है जो है f1, f2 और f3, ठीक है? और ऊपर में रहेगा हमेशा डेल में f1, f2, f3 रहेगा,
ऊपर में न्यूमरेटर में हमेशा यही रहेगा, लेकिन जब भी डिनोमिनेटर में लिखोगे ना तो हमेशा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री रहेगा नीचे वाला टर्म ऊपर में, और यहाँ पे यू वन यू टू यू थ्री रहेगा, मतलब रेसिप्रोकल से। सिंपल सा चीज है, इसको याद रखने का तरीका क्या है, इधर देखो ध्यान दो, जैसे छोटा सा चीज है, एक्स और वाई का दो, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, दोनों मिला, एक्स और वाई क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन का कहने का ये मतलब है कि आप वाई को एक्स के टर्म्स में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, या एक्स को वाई के टर्म्स में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, वैसा फंक्शन है। तो जब वैसा अगर फंक्शन है, सपोज मान लो, मान लेते हैं कुछ फंक्शन, जैसे एक्स प्लस वाई साइन एक्स इज इक्वल टू टू, ये कोई फंक्शन है, रैंडम फंक्शन। अब तुम क्या लिख सकते हो, x को तुम y के टर्म्स में लिख सकते हो क्या, इसमें लिख सकते हो x को x इक्वल्स टू, मतलब x इक्वल्स टू लिखो और सम फंक्शन ऑफ y, इस तरह से लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते। जब इस तरह से नहीं लिखा जा सकता तब उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट, और एक्सप्लिसिट का मतलब जब x को y के टर्म्स में पूरा का पूरा जब हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन है मेरे पास, एक फंक्शन है, अब हमको तुमको बोला कि फाइंड करिए dy by dx, अब फाइंड करिए dy by dx, कैसे फाइंड करोगे मन्ने, देखो यहाँ पे f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, इस वाले फंक्शन को आप बनाओ f के टर्म्स में, कैसे लिखेंगे, राइट साइड में हमको चाहिए जीरो, तो देखो क्या करेंगे हम, यहां लिखेंगे x प्लस वाई साइन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी है ये हो गया तुम्हारा f, क्या हो गया ये f हो गया, तो आप लिखोगे f ऑफ एक्स वाई, मतलब किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है, इक्वल टू जीरो लिख सकते हो। तो जब कंपेयर करोगे इसको और इसको तो तुम बोलोगे ना कि एफ ऑफ एक्स वाई कुछ नहीं ये है और जीरो तो जीरो यही है। अगर ऐसी बात है तो हम सिर्फ एफ लिख रहे हैं, एक्स वाई नहीं लिख रहे। एफ का मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस टू है, राइट। डीवाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डो एफ अपॉन डो एक्स निकालना पड़ेगा, मतलब इस फंक्शन का हमको पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार, फिर y के रेस्पेक्ट में, और दोनों को डिवाइड करेंगे, माइनस साइन डालेंगे तो हमको dy by dx पता चलेगा, निकालें, ठीक है। तो डो एफ अपॉन डो एक्स निकालते हैं, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लो, तो इसका x के रेस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव लोगे तब ये हो जाएगा 1, y विल बी ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट, तो इसको हम क्या करेंगे, y को y ही रहेगा, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो हम लिखेंगे y cos x, और ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से डो एफ बाई डो वाई अगर हम पूछे तो ये हो जाएगा जीरो, एक्स ये साइन एक्स हो जाएगा कॉन्स्टेंट और वाई का हो जाएगा डेरिवेटिव वन, तो इसको हम लिख सकते हैं सिर्फ साइन एक्स, क्लियर हुआ। अब यहां से अगर हम पूछे तुमसे कि बता भाई डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, तो बोलोगे सर ये तो माइनस होगा और माइनस होगा, और यहाँ पे डो एफ अपॉन डो एक्स मतलब वन प्लस वाई कॉस एक्स को न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे साइन एक्स, बस मिल गया मेरा dy by dx डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। सर ये माइनस मतलब, ये माइनस और कुछ नहीं, ये पावर है 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका कितना वेरिएबल है, आपका कितना वेरिएबल है यहाँ पे 1 है ना, एक ही वेरिएबल है ना यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे तीन वेरिएबल रहेंगे तो पावर 3, एक वेरिएबल है तो यहाँ पे पावर 1, समझा कि नहीं समझा, क्लियर है। जब ये क्लियर है तब इसी से आपको याद रखना है, देखो किसके रेस्पेक्ट में आपको निकालना है, आपको dy by dx निकालना है, dy by dx निकालना है, तो नीचे जो वेरिएबल है वो ऊपर के डिनोमिनेटर में चलाएगा और ऊपर में जो वेरिएबल है वो नीचे के डिनोमिनेटर में चलाएगा, क्रॉस, याद है। फिर यहां तो देखो इसमें कैसे याद रखोगे, जो ऊपर में है वो नीचे के डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जो नीचे में है वो ऊपर के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, याद रहेगा, ठीक है। ये वाला है, इसको अच्छे से छापो, फिर इसका एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, u इज इक्वल टू बोला है एक्स वाई जेड, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और w बोला है x प्लस वाई प्लस जेड। अब चेक करो ये एक्सप्लिसिट वाला कोई केस है या इम्प्लिसिट वाला केस है, जाहिर सी बात है इम्प्लिसिट है, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, u को मतलब किसी एक वेरिएबल को किसी दूसरे तीसरे वेरिएबल के एक्सप्लिसिटली तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इम्प्लिसिट वाला जो केस था वो, अब हमको ये फाइंड करने बोला है, अब ये फाइंड करने बोला है तो जाहिर सी बात है इसका फॉर्मूला बताए थे ना, क्या करना है आपको, देखना है कितने वेरिएबल्स हैं, तीन वेरिएबल्स हैं ऊपर में, तो माइनस वन के पावर में दे देंगे 3, ओके।
ये जब हो जाएगा उसके बाद लिखेंगे ऊपर में हम क्या लिखते हैं, F1 लिखते हैं, F2 लिखते हैं, F3 लिखते हैं और फिर दे देंगे डो। अब ऊपर में क्या रहेगा, जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ यहाँ के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये आ जाएगा U, V और W आ जाएगा, ठीक। और डिवाइड कर दीजिए, फिर डो ऑफ क्या करेंगे, F1, F2, F3 करेंगे और बाय कर देंगे। अब यहाँ जो आता है उसके इधर डिनोमिनेटर में आता है, तो डो ऑफ XYZ आ जाएगा, गुड। अब हम ये इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे और फिर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां से हमको F1 क्या मिलेगा, F1 तो हमको पता है कि F1 करेंगे MFN हो जाएगा U माइनस XYZ, ये हो गया मेरा F1। F2 फाइंड करते हैं, F2 मेरा हो जाएगा V माइनस X2 माइनस Y2 माइनस Z2, समझ में आ रहा कैसे कर रहे हैं। फिर F3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा W माइनस X माइनस Y माइनस Z हो जाएगा। अब यहां से हमको ये इसका जैकोबियन निकालो, बताओ डो ऑफ F1 F2 F3 डिवाइडेड बाय डो ऑफ UVW। अच्छा हमको ये सब चीज तो चाहिए ही, साथ में हम पहले फाइंड कर लेते हैं क्योंकि सबका डेरिवेटिव हम फाइंड ही कर लेते हैं। डो F1 बाय डो यू फाइंड करिए, डो F1 बाय डो वी फाइंड करिए, डो F1 बाय डो W फाइंड कर लिए, कैलकुलेट करके रखो काम दे देगा। फिर इसको हमको X के रेस्पेक्ट में, फिर डो F1 बाय इसको Y के रेस्पेक्ट में, फिर डो F1 बाय डो Z के रेस्पेक्ट में, सब कैलकुलेट करके रखते हैं। जब U के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बाकी सब कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 1। जब V के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 0। जब W के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 0। जब X के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, बचेगा माइनस वाई जेड। जब Y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बचेगा माइनस XZ और जब Z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बचेगा माइनस XY। क्लियर है। अब इसी चीज को डो F2 बाय डो यू फाइंड करिए, डो F2 बाय डो वी फाइंड करेंगे, डो F2 बाय डो W, डो F2 बाय डो X, डो F2 बाय डो Y, डो F2 बाय डो Z। इसको आप कैलकुलेट करिए। जब इसको हम U के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 0, V के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 1, W के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0, फिर X के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा -2X, Y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा -2Y, Z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा -2Z। समझ में आ रहा है, देखो कितना मजेदार चीज है। फिर डो F3 इसको करिए आप U के रेस्पेक्ट में, डो F3 इसको करिए V के रेस्पेक्ट में, डो F3 इसको करिए W के रेस्पेक्ट में, फिर डो F3 इसको करिए X के रेस्पेक्ट में, डो F3 इसको करिए Y के रेस्पेक्ट में, डो F3 इसको करिए Z के रेस्पेक्ट में, ठीक है। जब इसको U के रेस्पेक्ट में करोगे तो हो जाएगा 0, V के रेस्पेक्ट में करोगे तो 0, W के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1, X के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा -1, Y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और Z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो भी हो जाएगा ये -1। अब इसका न्यूमरेटर फाइंड करते हैं फिर डिनोमिनेटर फाइंड करते हैं। तो न्यूमरेटर क्या बोला, न्यूमरेटर बोल रहा है कि डो ऑफ F1 F2 F3 जो है ना, और डिवाइड आप करेंगे डो ऑफ UVW, तो ये और कुछ नहीं जैकोबियन है किसका, डो F1 बाय डो U, डो F1 बाय डो V, डो F1 बाय डो W, डो F2 बाय डो U, डो F2 बाय डो V, डो F2 बाय डो W, डो F3 बाय डो U, डो F3 बाय डो V और डो F3 बाय डो W। सिंपल। अब हम तो कैलकुलेट करके रखे हैं, डो F1 बाय डो U ये हो जाएगा 1, डो F1 बाय डो V ये हो जाएगा 0, डो F1 बाय डो W ये हो जाएगा 0। फिर इधर आओ, डो F1 बाय डो F2 बाय ये तो 010 010 और ये करोगे तो कितना हो जाएगा 001। देखो कितना आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया। सिर्फ हमको पता है ये और इसका डिटरमिनेंट, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं और कुछ नहीं, 1 है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, 1 होता है। समझ में आया। तो ये क्या मिल गया हमको, ये पता चल गया कि ये और कुछ नहीं 1 है। अब हम डिनोमिनेटर फाइंड करते हैं। डिनोमिनेटर फाइंड करेंगे तो डो ऑफ F1 F2 F3 है, डो ऑफ XYZ है, राइट।
ये हो जाएगा और कुछ नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ डू एफ वन बाई डू एक्स, डू एफ वन बाई डू वाई, डू एफ वन बाई डू जेड, डू एफ टू बाई डू एक्स, डू एफ टू बाई डू वाई, डू एफ टू बाई डू जेड, डू एफ थ्री बाई डू एक्स, डू एफ थ्री बाई डू वाई, डू एफ थ्री बाई डू जेड। गुड, बैठा दीजिए। डू एफ वन बाई डू एक्स, डू एफ वन बाई डू वाई, डू एफ वन बाई डू जेड, मतलब इस तरह से आप सीरियली ये कॉलम वाइज रो वाइज बैठा दीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस वाई जेड, ये हो जाएगा माइनस एक्स जेड, ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई। गुड, फिर ये हो जाएगा माइनस टू एक्स, फिर ये हो जाएगा माइनस टू वाई, फिर ये हो जाएगा माइनस टू जेड, फिर यह हो जाएगा माइनस वन, माइनस वन, और ये हो जाएगा माइनस वन। अब क्या कर सकते हैं हम, अब इसको यहां से देखिए, माइनस माइनस माइनस, मतलब आपको तो पता है कि इसका प्रॉपर्टी होता है ना कि कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई है वो थ्रू आउट मल्टीप्लाई हो सकता है। तो यहां से आप माइनस वन माइनस वन माइनस वन इस पूरे रो में कॉमन है, तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, इसको हम ले लेते हैं कॉमन, इसको आप लेंगे माइनस वन, एक बार कॉमन आ जाएगा, इससे आ जाएगा माइनस वन, फिर इससे क्या आ जाएगा, इससे माइनस टू कॉमन आ जाएगा, और इससे क्या आ जाएगा, इससे माइनस वन कॉमन आ जाएगा। क्लियर है, यहां से माइनस वन पूरे में बाहर आ गया, इससे माइनस टू पूरे में बाहर आ गया, और इससे माइनस वन पूरे में बाहर आ गया। जब ऐसा हो गया है तो ओके क्या कॉमन हो गया, ये तो माइनस ही रहेगा, तो मतलब माइनस टू ही रहेगा, तो इधर आप माइनस टू लिख सकते हैं, और यहां पे आप, यहां क्या आ जाएगा, वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई, वाई जेड एक्स जेड और एक्स वाई, इसमें माइनस टू कॉमन ले लिया था तो बचेगा एक्स वाई जेड, यहां से एक्स वाई और जेड, और नीचे में हो जाएगा क्या, वन वन वन। और कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या, और कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, ये वाई जेड है, जेड एक्स है और एक्स वाई है, ठीक है। तो इसको हम फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट कर लीजिए, वाई जेड लिखिए, वाई जेड डिटर्मिनेंट ऑफ इसका इसका, तो हम इसको डायरेक्ट फाइंड करते हैं, माइनस टू बाहर में रह गया, यहां लिखेंगे वाई जेड और अंदर में लिखेंगे क्या, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, फिर माइनस लिखेंगे एक्स जेड और एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, फिर लिखेंगे यहां पे प्लस प्लस एक्स वाई आप लिखिए, और इधर लिखिए एक्स माइनस वाई, ठीक है। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस टू, ये हो जाएगा क्या, वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये लिखे। अब यहां से आप कुछ कॉमन वॉमन लेंगे तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा, कुछ यहां से कॉमन लेंगे तो माइनस टू टाइम्स आपका एक्स माइनस वाई होगा, फिर वाई माइनस जेड होगा और जेड माइनस एक्स होगा, करके देखना यही चीज मिलेगा। उतना सिंप्लीफाई हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सब बच्चों वाला चीज है। इधर आप डिवाइड कर देंगे किससे, माइनस टू से, माइनस टू हो जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, और इधर तो क्या था, पावर थ्री था, है ना, तो पावर थ्री था तो आप ये वाला माइनस और ये वाला माइनस उड़ा सकते हैं और फाइनली जो आपका आंसर मिलेगा वो मिल गया ये। तो आप बोल सकते हो डू ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड अपॉन डू ऑफ यू वी डब्ल्यू, ये और कुछ नहीं, वन अपॉन टू टाइम्स एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स है। ये हो गया है आपका छोटा सा नन्हा मुन्ना आंसर। क्लियर हो गया ये प्रॉपर्टीज, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जैकोबियन में, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप। जैकोबियन का ये आखिरी टॉपिक, इसके बाद जैकोबियन पूरी तरह से खत्म। फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ जैकोबियंस, फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ जैकोबियंस, मतलब जैसे मान लो इफ यू वन यू टू यू थ्री कोई फंक्शन है, किसका, x1 x2 x3 का,
या तो X1 का हो सकता है, या तो X2 का हो सकता है, X3 का हो सकता है, या कॉम्बिनेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे हमको लेना देना नहीं। हमको ये पता है कि U1, U2, U3 जो है वो X1, X2, X3 का कुछ फंक्शन है। देन द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ द फॉर्म दिस इक्वल्स टू जीरो दैट इज टू बी फंक्शनली डिपेंडेंट इज जैकोबियन ऑफ दिस इक्वल्स टू जीरो। कहने का ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपने कुछ फंक्शंस आपको दिए थे किसी के रेस्पेक्ट में, आपने उसका जैकोबियन कैलकुलेट किया, और जैकोबियन का वैल्यू अगर आ गया है जीरो, तो समझ जाना कि U1, U2, U3 जो है ना वो है फंक्शनली डिपेंडेंट है। क्या है? फंक्शनली डिपेंडेंट है। अगर जैकोबियन का वैल्यू जीरो नहीं आता है तो समझ जाना कि ये सारे जो फंक्शंस हैं U1, U2, U3 ये सब फंक्शनली इंडिपेंडेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, उसमें दिया हुआ है बहुत सारे प्रूफ करने के लिए, ये फंक्शनली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, चेक करो, वेरीफाई करो, फाइंड करो। तो बस तुमको ये रिलेशन फाइंड करना है, सिंपल सा लॉजिक याद रखना है कि जिसका भी हमको बोला कि अच्छा वो फंक्शनली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, बस जैकोबियन फाइंड करो। जैकोबियन फाइंड करने से अगर जीरो आता है तो बोलेंगे फंक्शनली डिपेंडेंट है, अगर जैकोबियन फाइंड करने से जीरो नहीं आता तब उसको बोलेंगे फंक्शनली इंडिपेंडेंट है। क्लियर हो गया? तो हम कंप्लीट कर दिए हैं जैकोबियन पूरी तरह से, और पिछले लेक्चर में फंडामेंटल्स दिखे थे वो था लेवल 1, मतलब बेसिक लेवल। ये वाला लेक्चर था जैकोबियन का एडवांस लेवल। इसी तरह से लगभग सारे टॉपिक्स में वो डिपेंड करेगा कि कौन से टॉपिक पे कितना पढ़ाना है नहीं पढ़ाना, वो डिपेंड करेगा कितना पढ़ना है नहीं पढ़ना। क्योंकि होता है ना किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर हम बहुत ही ज्यादा फोकस्ड कर दिए और वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर वो फायदा नहीं रहेगा। इसलिए टॉपिक उतना ही पढ़ो जितना जरूरत है, ये सब चीज का जरूरत था। इसमें जैकोबियन से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज तुम्हारा ये फंक्शनल रिलेशनशिप पता करना, और साथ ही इम्प्लिसिट वाला फंक्शंस पता करना, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शंस का जैकोबियन कैलकुलेट करना। ये दो अगर अच्छे से आ गया तो जाहिर सी बात है सारे क्वेश्चंस तो बना दोगे, और अलग अलग वेराइटीज, अलग अलग फॉर्मेट्स में क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने ग्रुप में देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपने जो फॉरवर्ड किया था वो डायरेक्ट नहीं पूछा, इनडायरेक्टली पूछा है जैकोबियन के एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो ये सब आप सीख चुके हो, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाना, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो ये कैलकुलस में पहला टॉपिक था हमारा जैकोबियन, जो पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और इससे थोड़ा बहुत कुछ कुछ अगर कुछ एक्स्ट्रा मिसलिनियस मिलेगा तो फिर फर्दर लेक्चर्स में हम लोग इसको इंक्लूड कर लेंगे। अगले लेक्चर का मतलब कैलकुलस के अगले लेक्चर में हम लोग फिर से कुछ यूनिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाएंगे, फिर उस टॉपिक को अच्छे से खाएंगे, पिएंगे, पचाएंगे और फिर इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।